बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमानुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमानस वीडियो। डियर व्यूवर, आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइकूरिस ट्राइकूरा को। आप लोग जानते हैं कि ट्राइकूरिस ट्राइकूरा जो है, इट इज़ द मेंबर ऑफ निमाटोड, और निमाटोड में ये इंटेस्टिनल निमाटोड से बिलोंग करता है, यानी कि ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन में ये डिजीज़ कॉज करता है, ट्राइकूरिस ट्राइकूरा। अगेन, आज का जो लेक्चर है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे होगा, और हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ टीटी के डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रांसमिशन टू द ह्यूमन बींग के ये ह्यूमन बींग को किस तरह इन्फेक्ट करता है, फिर हम इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, फिर इसके पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस को डिस्कस करके हम अपना लेक्चर फिर ख़त्म कर लेंगे। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। ट्राइकूरिस ट्राइकूरिया, ये सबसे पहले मैंने कुछ दो पिक्चर्स लगाई थी, मुझे अच्छी लगी। ये एडल्ट टीटी है जो कोलोनोस्कोपी के थ्रू रिमूव किया गया है, और ये बिल्कुल जो है उसमें है कोलोनोस ड्यूरिंग द कोलोनोस्कोपी जो है वो पिक्चर ली गई है। तो ये पोस्टीरियर एंड है, चूँकि इसका ये इंटीरियर एंड जो है वो उसमें अपने इंटेस्टिनल का जो म्यूकोजा होता है ये उसमें बिल्कुल अटैच करता है, तो पोस्टीरियर एंड इसका फ्री रहता है। आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन। टीटी जो है उसको ह्यूमन विप वॉर्म कहा जाता है, और जो एडल्ट वॉर्म है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। इट लिव्स इन द सेकम एंड एस्टेंडिंग कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, ठीक है। और लाइफ स्पेन जो एडल्ट का है वो तकरीबन 1 साल होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर। ट्राइकूरिस ट्राइकूरिया जो डिजीज़ कॉज करता है हम उसे ट्राइकूरियासिस कहते हैं। लाइफ साइकिल्स हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइकूरिस ट्राइकूरी जो है, यानी टीटी जो है, वो अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में यानी ह्यूमन बींग में कंप्लीट करता है। और ह्यूमन बींग किस तरह इन्फेक्ट होता है कि ह्यूमन बींग्स आर इन्फेक्टेड बाय द इंजेशन ऑफ वॉर्म एग्स फ्रॉम वेयर इन कंटामिनेटेड फूड और वाटर विद ह्यूमन फीसिस। यानी ह्यूमन बींग जो है वो इन्फेक्ट होता है जब वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स ऑफ द टीटी को इंजेस्ट करता है विद कंटामिनेटेड फूड और या कंटामिनेटेड वाटर। चलते हैं डायग्राम की तरफ। इसका लाइफ साइकिल बड़ा सिंपल है। जब आप एम्ब्रियोनेटेड एग जो है वो इंजेस्ट करते हैं, तो इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन एम्ब्रियोनेटेड एग जो है वो लार्वी उसे बाहर आती है, वो लार्वी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जाती हुए लार्ज इंटेस्टाइन में फिर चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो लार्वी है ये मैच्योर हो जाता है एडल्ट वॉर्म में, ठीक है। और एडल्ट वॉर्म जो है फिर जाहिर है वहाँ पे जो एडल्ट फीमेल होती है वो एग्स देती हैं, और वो एग्स जो है अनएम्ब्रियोनेटेड फॉर्म में फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बाहर आती है। जब इन अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स का मतलब ये होता है कि इस वक्त इनमें एम्ब्रियो नहीं होता, ठीक है, सिर्फ जर्म सेल्स होते हैं। तो ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग जो है ये बाहर एनवायरनमेंट में जब इसको ऑप्टिमम एनवायरनमेंट मिलता है तो ये एम्ब्रियोनेट हो जाता है, ठीक है, इसमें एम्ब्रियो बन जाता है। और ये एम्ब्रियो जब एम्ब्रियोनेटेड एग जो है ये जब ह्यूमन बींग जो है ह्यूमन बींग इंजेस्ट करता है, सॉरी मेरी कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, बहरहाल ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग है तो ये जब ह्यूमन बींग इन्फेक्ट इंजेस्ट करता है इन कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर, तो ह्यूमन बींग इन्फेक्ट हो जाता है और इसी तरह इसका साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो वो है, क्या नाम है, जो एग्स हैं अनएम्ब्रियोनेटेड, तो ये डायग्नोस्टिक स्टेज है, इसको हम ह्यूमन बींग के फीसिस में डिटेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो एम्ब्रियोनेटेड एग है ये इन्फेक्शियस होते हैं ह्यूमन बींग के लिए, तो ये इसका इन्फेक्शियस स्टेज है, ठीक है। अब हम पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग डिस्कस करते हैं ह्यूमन बींग के। ऑल दो जो एडल्ट टीटी वॉर्म्स है इट बरो दियर हेयर लाइक इंटीरियर एंड इन टू द इंटेस्टिनल म्यूकोजा, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस नहीं क्रिएट करते जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट एनीमिया होता है, जैसे हुकवॉर्म के केस में होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जो टीटी है वो कोई सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस भी कॉज नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि टीटी कैन कॉज डायरिया बट मोस्ट इन्फेक्शन आर एसिम्प्टोमेटिक। जिस तरह मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि वॉर्म बर्डन पे डिपेंड करता है, अगर वॉर्म बर्डन
कम है तो यूजुअली जो सिम्टम्स है वो नहीं अपीयर होते या डिवेलप नहीं होते, तो इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक रहता है। अगर जो है सिम्टम्स डिवेलप होते हैं, सॉरी वॉर्म का बर्डन ज़्यादा होता है, तो फिर साइन एंड सिम्टम्स डिवेलप हो जाते हैं। टीटी में आल्सो कॉज रेक्टल प्रोलेप्स। अच्छा, कभी कभी चिल्ड्रंस में अगर रिपीटेड इन्फेक्शन होता है और उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती तो वॉर्म बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो रेक्टल प्रोलेप्स कॉज करते हैं, क्योंकि ये जो वॉर्म है ये रेक्टम में, रेक्टम की तरफ आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो ये रेक्टल प्रोलैप करते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब ये है कि जो रेक्टम है वो वॉर्म की बर्डन की वजह से अपने जो उसका ओरिजिनल साइज वो है, प्लेस है बॉडी में, वो उससे थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो इसको प्रोलैप्स कहते हैं। जैसे अगर आप किसी चीज़ पर ज़्यादा वज़न डालते हैं तो वो झुक जाता है, इसी तरह जो लार्ज इंटेस्टाइन है तो रेक्टम जो है वो प्रोलेप हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, जिसको एक्सरे और दूसरे रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के थ्रू फिर डायग्नोस किया जाता है। लेकिन अगेन ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है, डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द टिपिकल एग्स एंड द स्टूल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। एग्स कैसे होते हैं कि येलो ब्राउन एग्स होते हैं जो 54 माइक्रोमीटर जो है लंबे होते हैं और 22 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं, यानी ये विड्थ है और ये लेंथ है इनका। और दूसरी बात ये है कि दे हैज अ कैरेक्टरिस्टिक बैरल शेप। ये आप देखें तो बैरल लाइक शेप होता है, ड्रम की तरह इनका शेप होता है, बैरल लाइक, ठीक है। कलरलेस प्रोट्रूडिंग म्यूकोइड प्लग होते हैं एट ईच एंड। ये देखें दोनों एंड पे कलरलेस म्यूकोइड प्लग्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कॉन्टेन अ सेंट्रल ग्रेन्यूलर मास विच इज़ द अनसेगमेंटेड ओवम। ये आप देख रहे हैं ग्रेन्यूलर मास है सेंटर में जो अनसेगमेंटेड ओवम है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये वेट माउंट की है और ये जो पिक्चर है आयोडीन स्टेन की है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशंस हैं यू कैन राइट मी। और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारा चैनल देखने का। फी अमान अल्लाह।